हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन एंड रेसिपीज़। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मौसम्बी का जूस, वो भी बिना मिक्सी और बिना जूसर के। अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में हमें कुछ अच्छा और ठंडा पीने का मन करता है, और मौसम्बी का जूस एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है गर्मियों के मौसम के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम्बी का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मौसम्बी लिया है, ये करीब 800 ग्राम मौसम्बी है। और अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो मौसम्बी मार्केट में इजीली मिल जाती है। सबसे पहले हम मौसम्बी को बीच से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मौसम्बी का जूस हम बिना मिक्सी और बिना जूसर के निकालने वाले हैं। और मैंने सारे मौसम्बी को बीच से ऐसे कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मैंने यहाँ पे मौसम्बी का जूस निकालने के लिए इस तरह का एक स्क्वीज़र लिया है, ये मार्केट में इजीली 50-60 रुपया में मिल जाता है, और इससे हम बहुत ही इजीली और कम टाइम में जूस निकाल सकते हैं। अब हम एक मौसम्बी लेंगे और मौसम्बी को स्क्वीज़र के ऊपर रखेंगे और स्क्वीज़ करके मौसम्बी का जूस निकाल लेंगे। आप मौसम्बी का जूस मिक्सर में ग्राइंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मौसम्बी का जूस मिक्सर में निकालने से मौसम्बी का जो रेशे होती है वो भी ग्राइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जूस कड़वा हो जाता है और पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मौसम्बी का जूस हमें ज़रूर पीना चाहिए। मौसम्बी का जूस कोल्ड कफ से राहत देता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है। मैंने इसी तरह मौसम्बी को स्क्वीज़ करके मौसम्बी का जूस निकाल लिया है। अगर आपको प्योर मौसम्बी का जूस पीना है तो आप जूस को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। जूस को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब मैं इसमें 2 छोटा चम्मच पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। पाउडर शुगर मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि ये इजीली घुल जाता है। आप चाहे तो पाउडर शुगर के बदले नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसी के साथ 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा को मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है, और अगर आप चाहे तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। और 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, और मौसम्बी का जूस रेडी है। अब हम जूस को सर्व कर लेते हैं। जूस को सर्व करने के लिए ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे और जूस को छलनी से छानते हुए ग्लास में डालेंगे, ताकि अगर जूस में मौसम्बी का बीज वगैरह हो तो वो सारा निकल जाए। और हमारा ठंडा ठंडा मौसम्बी का जूस रेडी है पीने के लिए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।